हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। आप लोग भी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम और आज मेरा फेस तो नहीं दिखने वाला है क्योंकि मैं इतना जल्दबाजी में थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि वीडियो भी ना बनाऊँ, इतना जल्दबाजी में थी कि, लेकिन बना ली वीडियो क्योंकि इसी से मेरी सुबह होती है और इसी से मेरी शाम होती है, आप लोगों को तो पता है। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि ये इनको 8 बजे निकलना होता है और इतना ज़्यादा लेट हो चुका था। लेट क्या मतलब, कुछ भी ऐसा बनाने, अलग सा बनाने के बाद तो लेट लग ही जाता है। और यहाँ पे आज ना मैं बना रही हूँ पापड़ी चाट, जो कि मेरे पति देव का बहुत ही पसंद देता है। तो ये वाली जो मटर है ना, मतलब ये लाए थे घुगनी के लिए, मतलब घुगनी ऐसे बनते हैं ना आलू वगैरह डाल करके, तो घुगनी के लिए लेके आए थे। तो मैं सोची जब बना ही रही हूँ तो थोड़े साथ में पापड़ी भी बना लो और इमली वगैरह भी फुला करके रख लेती हूँ तो चाट का स्वाद आ जाएगा। और चाट मसाला वगैरह तो था ही, और सच में इतना यम्मी और टेस्टी चाट बना था ना। मैं बहुत जल्दबाजी में थी, एकदम जल्दी जल्दी सोच रही थी कि पहले कुछ भी ना करूँ, फटाफट से बना करके इनको खिला दूँ और ये अपना आराम से काम पे चले जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में वही होती है कि आप कितना भी मेहनत करो, पता है 5 मिनट इनको जाने में बची हुई थी। पूरा जिद करके मैं बोली खा लीजिए खा लीजिए, और मेरे जिद पे 2 से 3 चम्मच खाएं तो बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लगा कि इतना मेहनत से बनाई और ये बिना खाए, अच्छे से खाए भी नहीं और चले गए। फिर शाम के टाइम ये जब आए थे तो फिर अच्छे से खाए थे। और थोड़ा वही होता है ना कि आप जिसके लिए कर रहे हो ना, वो अच्छे से खा लेता है ना, तो फिर करने में भी अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। तो बहुत जल्दबाजी में थे। ये टाइम की कोई अहमियत होती है? कुछ टाइम होती है ना, उस टाइम पे आपको पहुंचना ही पहुंचना होता है, जिस वजह से ये चले गए और मैं उन्हीं के लिए ये चाट बना रही थी। ये देखिए मेरा चाट और पापड़ी मैंने अभी थोड़ा ही बनाया है, गैस मैं बंद कर दी हूँ, बाद में बना लूँगी। पहले फटाफट से मैं इनको दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पापड़ी डाला, उसके बाद इसमें जो छोले बनाई थी वो डाली और दही सॉस भी डाल दी इसमें, और चटनी जो इमली की चटनी मैं बना के रखी थी वो, और ऊपर से इसमें सेव डाल दी थी और काला नमक, चाट मसाला, ये सारा चीज़ डाल के एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा से एकदम चाट रेडी है। और लेकिन जिसके लिए मैं बनाई वो तो खाए ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, तो फटाफट से ये थोड़ा बहुत खाए और निकल गए और मैं लग गई अपने बाकी कामों में, क्योंकि मैं बिना नहाए धोए किचन में लगी हुई थी। क्योंकि सवेरे का टाइम होता है ना, सुबह में वैसे ही ज़्यादा काम हो जाती है। और यहाँ पे मैं नहा धोवा कर आ गई हूँ माता रानी से, अपना दिन का स्टार्ट करती हूँ। लेकिन अभी ना जो थोड़ा सा फटाफट से भी पूजा पाठ करेंगे, और जो फूल है ना वो मैं तोड़ के लेते आई हूँ। आप लोग कहते हैं कि दी जब आप फूल तोड़ते हो ना तो बिना नहाए धोए तोड़ा करो, तो मैं कहती हूँ कि नहाने के बाद शरीर भी मेरा शुद्ध हो जाता है और अच्छे से, क्योंकि वो पुष्प फूल जो है भगवान को ही चढ़ती है। और अगर आप तो ये भी बोल सकते हैं कि बिना नहाए धोए पूजा भी कर लो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे घर में है तो इसीलिए मैं नहा कर ही तोड़ना पसंद करती हूँ फूल। और बहुत कोई होते हैं ना जैसे जिसके घर पे नहीं होते तो वो सवेरे ही फूल लेने के लिए निकल जाते बिना नहाए धोए, ताकि वो फूल फटाफट से और कोई ना ले ले, तो इसीलिए ऐसा ही होता है। और घर पे तो बिना नहाए धोए तोड़ने के में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी देखिए कितना मैं काम कर ली हूँ बात करते करते, मेरे सुबह का पूजा पाठ हो गया, छत पे सारा कपड़ा दे के आ गई हूँ, और मैंने थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया, जो मैं चाट बनाई थी सुबह में वो। मेरा नाश्ता होता है करीब हर रोज़ 9 साढ़े 9 बजे के लगभग, 10 तो बज ही जाता है कभी कभी। और नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ पे मैं लग गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। और आज दोपहर के खाने में मैं ज़्यादा करके चावल सब्जी सारा चीज़ बनाऊँगी, क्योंकि मुझे खाना पार्सल करना है। जहाँ पे मेरे हस्बैंड जी रहते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक जन के लिए ही नहीं भेजा जाता है, वहाँ पे जो भी रहते और 2-3 लोग रहते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं, तो फिर वो उनके लिए भी मैं खाना भेज देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चावल मेरे पास ना, मतलब बड़ी सी कोई टिफिन नहीं है जिसमें इतना 3 लोगों का खाना जा सके। तो ये जो है ना कमंडल
कमंडल हम लोग इसे बोलते हैं, उसमें ही चावल मैं डाल दी और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी और साग बनाई थी। एक में मैं वो रख दी और दूसरी में छोटी सी है एक डब्बी, उसमें मैं सलाद रख देती हूँ, साथ में दाल में खाने के लिए नींबू रख देती हूँ और अब थोड़ा सा ना नमक डाल देती हूँ। नमक ना मैं साइड में इसलिए रख रही हूँ ताकि पानी ना छोड़े। और इधर मैं दाल निकाल लेती हूँ, ये घर की जो मसूर की दाल होती है ना, मसूर और अरहर की दाल, यही दोनों चीज़ की दाल है। और यहाँ पे मेरा फटाफट से ये खाना पैक कर दी हूँ और बर्फ़ जो फ्रिज में मैं जमने के लिए दी हूँ ना, वो बर्फ़ भी मुझे भी निकालना है। और शायद जो खाना लेकर के आते मतलब जाते हैं ना भैया, वो आ चुके हैं, तो मैं फटाफट से उनको दे दूँगी। और मैं जल्दबाजी में इतना थी ना, और बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी था तो बहुत पकड़ने में वो लग रहा था। और इसे ना मैं कढ़ी में डाल देती हूँ, सबसे पहले चावल वाला डाल दूँगी और उसके बाद जितने भी बाकी सब्जी वगैरह की है, सलाद की है, वो डाल दूँगी। और अभी मैं ना फ्रिज से बर्फ़ निकाल ली हूँ, ये बर्फ़ मैंने आप लोगों को बताया था, ये पानी में डालने के बाद ना वहाँ का जो पानी ना ठंडा रहता है, जिसकी वजह से बर्फ़ घर में सुबह में ही जमने डाल देते हैं ना, तो वो अच्छे से जम जाता है। और मैं फटाफट से उन भैया को खाना दे आती हूँ। खाना देने के बाद मैं भी खा ली थी और मम्मी को भी खिला दी थी। मम्मी मतलब सब लोग खा पी लिए, आराध्या को भी खिला दिया, आराध्या को भी सुला दी हूँ। सुलाने के बाद मैं सोची फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गया था, क्योंकि जो मैं पार्सल भेज के आई थी ना, मतलब भेजी थी ना, तो वो भी भैया बर्तन घर पे पहुँचा के चले गए थे। मतलब ज़्यादा दूर में नहीं, हमारे हस्बैंड का जो काम है ना 5 से 10 मिनट का रास्ता होगा, वहीं पर काम करते हैं और वहाँ से आना बिल्कुल भी नामुमकिन है, इसीलिए वो नहीं आ पाते जब तक उनकी काम ख़त्म नहीं होती है। तो बस वो सारा बर्तन वगैरह मैं धो डाली थी, धोने के बाद एडजस्ट कर दी हूँ अपने अपने जगह पर। और अभी मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। किचन की सफाई में सफाई करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट ही करना है, और जैसे ही शाम के टाइम में हमारे पति देव आते हैं तब मैं चाय नाश्ता जो भी होता है तब फिर गैस में बनाती हूँ। और ये करीब 6 बजे के लगभग आ जाते हैं, 6 या 6:30, कभी 7 भी बज जाते हैं, ज़्यादा अगर काम वगैरह रहता है ना तो थोड़ा लेट भी हो जाता है। और गर्मी क्या ही बताऊँ, गर्मी इतना तेज़ हो रहा है कि मतलब माथा पागल हो जाता है, मन जो है ना पागल पागल सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। एकदम ऐसा लग रहा है कि बाल को एकदम पूरा मैं ऊपर जुड़ा टाइप का बना लेती हूँ और एक क्लीचर लगा लेती हूँ। इतनी गर्मी में मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। और कहते हैं ना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता हो आप वैसे ही रहा करो, करा करो। और यहाँ पे देखिए आराध्या को मैं सुला तो दी थी, लेकिन ये तुरंत उठ भी गई थी। और मम्मी के रूम के भी मैं बैटरी थोड़ा सेट कर रही थी तब तक ये उठ के आ गई थी मेरे पास। और मेरी जो दिन की शुरुआत होती है आप लोगों से होती है और ख़त्म भी आप लोगों से ही होती है। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी जो दिन की शुरुआत होती है मेरे घर के कामों से होती है और आप लोगों के साथ होती है। तो आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। और बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। तो आज का ब्लॉग हम यहीं रखते हैं, तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ, हंसते मुस्कुराते रहिए।